सिर्फ तुम्हारा नजरिया सही है, दुनिया का, हमारा, सबका नजरिया गलत है। सिर्फ ज़ारा, अगर तुम्हारी सोच की वजह से या तुम्हारे नजरिए की वजह से इस घर पे या हमारे ऊपर एक उंगली उठी, वो हमारे बर्दाश्त से बाहर होगा। कबीर, सारा कुछ छोड़ो, अगर अब्बू अम्मी ने देख लिया तो? छोड़ो ज़ारा को। क्या बात है रुखसार, आज तुम्हें हम एक बात बोले? बोले ना बच्चों, तुम ना बहुत बड़ी कमीनी निकली, बहुत बड़ी। इन दोनों के बीच में आग लगा ही थी। बच्चों, हमने आपसे कहा था ना कि मर्द की ईगो हमेशा उसके प्यार से बड़ी होती है। हमने बस कबीर की थोड़ी सी ईगो जगा दी और आपने देखा ना अंजाम। वो सब तो ठीक है, पर आगे क्या करने वाली हो? बच्चों, आग लग चुकी है, बस हमें कभी कभी उसमें घी डालना है और बैठ के तमाशा देखना है। अपने शौहर की इज्जत पूरी दुनिया के सामने नीलाम करना चाहती हूं ना? ये दुपट्टा पहनने की क्या जरूरत है? सिर्फ तुम्हारा नजरिया सही है। आज के बाद से अगर तुम्हारी इस सोच और तुम्हारे नजरिए की वजह से इस घर पे या हमारी इज्जत पे एक भी उंगली उठी ना, वो हमारे बर्दाश्त से बाहर होगा। कबीर की भी सोच गलत है और उस इन्वेस्टर की भी। दुनिया सुधारने से पहले अपना घर सुधारिए कबीर मियां, हमें आपके प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कबीर, हमारी बात तो सुनो। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा जहां पर मदरसा से पढ़ लिख कर आया हर बच्चा दूसरों बच्चों की तरह होगा। उनके पास हुनर होगा, बहुत सारे पैसे कमाने की तालीम होगी, सब कुछ होगा। सारा कबीर की सोच गलत हो सकती है, अगर उसका इरादा गलत नहीं है। और वैसे भी ये प्रोजेक्ट कौम के लिए नई सुबह की तरह है। कबीर ने इतनी मेहनत की इस प्रोजेक्ट के लिए, हमारी वजह से प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। काम बिगाड़ा हमने तो ठीक भी हम ही करेंगे। कबीर का ये प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा। क्या हुआ ज़ारा, तुम्हारा इस घर में दिल नहीं लगता जो बार बार बाहर जाती रहती हो? रुखसार, हमारे इस घर में ना कुछ कीड़े मकोड़े घुसाए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम बहुत जल्द पेस्ट कंट्रोल करवाने वाले हैं, फिर ये सारे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। घंटी की आवाज नहीं सुनाई देती, दरवाजा खोल। छोटी बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारा अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पर सारा अचानक बेवा। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? सारा ऐसे कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, सब ठीक है। अपने अम्मा अब्बा को याद करने का कोई वक्त थोड़ी होता है, या तो बगैर वक्त देखे आ जाती है। बिल्कुल ठीक कहा हमारी बेटी ने। और बताओ बेटा, कैसी हैं आप? अब्बा सब खैरियत। हमें ना आपसे एक काम है। बोलो बेटा। हम शरिया बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाना चाहते हैं। बेटा, दूसरे लोगों की तरह शरिया बोर्ड की आप भी मेंबर हैं। आपका भी पूरा हक बनता है कि आप जब चाहे शरिया बोर्ड की मीटिंग बुला सकते हो। बोलो, कब बुलानी है मीटिंग? कल। पर कल तो छुट्टी है बेटा। कोई बात नहीं, हम घर पर मीटिंग बुला लेंगे। जी, लेकिन एजेंडा क्या है बेटा? अब्बा वो हम आपको कल ही बताएंगे। सब खैरियत तो है? सब ठीक है, बस कबीर को लेकर कुछ बात है। हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं बगैर उसे बताए। बहुत अच्छी बात है। आप अपनी अम्मा के साथ बैठकर बातें कीजिए, हम अभी आते हैं। सारा बेटा, घर पर सब ठीक तो है ना? तुम हमसे कुछ बात तो नहीं रही हो ना? अम्मा बात तो है, मगर हम आपको बताएंगे नहीं। आपने अपनी बेटी का निकाह किया है ना, तो उसके हिस्से की जंग भी उसे अकेले लड़ने दीजिए। हम बहुत खुश हैं बेटा कि हमारी बेटी अपनी जिंदगी का सबक बहुत अच्छे से सीख रही है। अल्लाह तुम्हें ऐसी बीवी बना दे जिस पे उसका शौहर नाज कर सके। खुश रहो। चल। ज़ारा, तुम्हें तुम्हारा पेस्ट कंट्रोल मिला या नहीं? जहरीले कीड़ों का पेस्ट कंट्रोल ना थोड़ी मुश्किल से मिलता है रुखसार। कीड़े मकोड़ों की फिक्र बाद में करना छोटी काज़ियानी। पहले अपने नाराज मियाँ को तो मना लो। मियाँ बीवी के रिश्ते को तुम क्या जानो रुखसार। मियाँ बीवी के बीच ना नाराजगी कितनी ही बड़ी क्यों ना, मगर बेडरूम में जाते ही सब खत्म हो जाती है। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगी। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। जानते हैं बेटा कि तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारे और कबीर के बीच में जो कुछ भी हुआ जीनत ने हमें बताया। हम तो यही सलाह देंगे बेटा कि इन छोटी छोटी बातों से बचो। वो हमसे थोड़ा सा नाराज है अम्मी, मगर हम उन्हें मना लेंगे। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। मियाँ बीवी के बीच में ये छोटी छोटी बातें कब बड़ी बड़ी बन जाती हैं पता नहीं चलता। सारा नहीं अम्मी, हम इस झगड़े को बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अम्मी, हम रुखसार की तरफ से परेशान हैं। वो हमेशा हमारे और कबीर के बीच में आने की कोशिश करती है। ठीक है बेटा, तुम क्या चाहती हो बताओ। अम्मी, हम चाहते हैं कि आप उसके ससुराल में बात करके जल्द से जल्द उसकी शादी का इंतजाम करवा दें। ठीक है, ये कर देंगे। उसकी सारी फिक्र तुम हमें दे दो। बस अब तुम जाकर मुस्कुराकर अपने शौहर को मनाओ। वैसे कुछ टिप्स हम दे सकते हैं। अम्मी शुक्रिया अम्मी, खुश रहो। हाँ हाँ, जाइए जाइए। हमारी अम्मी कहती हैं कि बादाम वाले दूध पीने से ना याददाश्त अच्छी होती है। लो पी लो कबीर, एक घूंट में सब पी जाओ। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा। सांसों में तेरी नज़दीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। लेके जा नहीं जाएगा मेरी कातिल हर तेरा बहाना हुआ, तुझसे ही शुरू तुझ पे परवाना। ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा। क्या कर रही हो तुम? खुद ही गलती करके खुद ही रूठ जाने वाले अपने मुल्ला जी को मनाने की कोशिश। तो अब भी तुम्हें यही लगता है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं, हमारी गलती थी? अच्छा, एक काम करते हैं, हम ना बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। थोड़ी सी गलती तुम्हारी थी और थोड़ी सी गलती हमारी, और हम दोनों की गलती की तरफ से हम खुद ही माफी मांगते हैं। कबीर, इतनी सी बात के लिए क्या झगड़ना? इतनी सी बात? अच्छा ये सब छोड़ो, लो ये बादाम वाला दूध पी लो। नहीं ज़ारा, ये कोई इतनी सी या कोई छोटी सी बात नहीं है। सच कहे ना तो हमें डर लगने लग गया है। जो फासला हमारी सोच के बीच है वो हमारे रिश्ते के बीच ना आ जाए। साथ जो दूरी इतनी मुश्किल से मिटती है कबीर, उसे अब हम तुम्हारे और हमारे बीच नहीं आने देंगे। हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारा इन्वेस्टर चला गया, मगर फिक्र मत करो, हम नया इन्वेस्टर ले आएंगे। बस कल तक का इंतजार कर लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये ज़ारा सुबह सुबह कहाँ चली गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बच्चों, आज तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी जो है बेगम, सिर्फ बच्चों के लिए है कि बच्चों के अब्बू के लिए भी? आपके लिए नहीं है, हाँ, लेकिन आपकी तरफ से जरूर है। अच्छा। रुखसार को देखने के लिए हमदान आ रहा है। कौन हमदान? अरे रुखसार, वही लड़का जिसकी अम्मी तुम्हें पसंद करके गई थी। जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, फिर काफी तैयारियां भी करनी है। अम्मी आप फिक्र ना करें, रुखसार की खुशी का मामला है, सारी तैयारियां ना हम खुद करवाएंगे। शाबाश। कबीर, हमारा नाश्ता हो चुका है। अम्मी, शरिया बोर्ड की मीटिंग में जाना है, कुछ काम हो तो बताइए। बस थोड़ा जल्दी आ जाना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अल्लाह हाफिज़ सबू। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खाल, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, आप अपनी बेगम को साथ नहीं लाए? जी, वो आज नहीं आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। हम जानना चाहते हैं कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। आपकी बेगम ने मीटिंग रखवाई है, एजेंडा भी वही बताएंगे। शोर से पूछे भी नहीं बीवी ने मीटिंग रख ली। लियाज भाई, अपना लखनऊ भी बहुत उन्नति कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।